ज्वालामुखी कुदरत के बेहिसाब ताकत का प्रतीक है जिसके आगे इंसान बेबस है। सक्रिय अवस्था में अपने आसपास भारी तबाही मचाने वाले ये ज्वालामुखी जीवन के लिए जरूरी भी माने जाते हैं। 18वीं सदी तक ज्वालामुखियों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन कोई ज्वालामुखी कब फटेगा इसकी सटीक भविष्यवाणी आज भी मुश्किल है। हालांकि इस दिशा में प्रयास जारी है। इक्वाडोर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रहस्यमयी घटना के आधार पर ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है। ये घटना है वोल्केनिक म्यूजिक। वोल्केनिक म्यूजिक वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाले एक विशिष्ट आवाज को कहा गया है। अमेरिका के इडाहो में स्थित बॉय स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इक्वाडोरियन ज्वालामुखी कोटोपैक्सी का अगस्त 2015 में अध्ययन किया। यह अध्ययन एक के बाद एक कई विस्फोट के बाद किया गया। उन्होंने पाया कि ऑर्गन पाइप से उत्पन्न आवाज से मिलती जुलती एक ध्वनि उस ज्वालामुखी से निकल रही है। कोटोपैक्सी क्वाइटो शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोटोपैक्सी के गहरे और सक्रिय आकार के कारण जब हवा इसके क्रेटर पर दबाव बनाती है तो ये खास तरह की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। इन तरंगों में से कई काफी कम फ्रीक्वेंसी की हैं, जिन्हें इंफ्रासाउंड वेव कहते हैं। ये तरंगे मानवीय श्रवण शक्ति की सीमा से बाहर होती है। शोधकर्ताओं ने कोटोपैक्सी के किनारों पर खास माइक्रोफोन का नेटवर्क स्थापित किया जो इन कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड कर सकता था। उन्होंने पाया कि कोटोपैक्सी से निकलने वाली आवाज 0.2 हर्ट्ज पर रेजोनेट कर रही थी। ये अन्य ज्वालामुखियों से निकलने वाली आवाज से 5 गुना कम फ्रीक्वेंसी की थी। इस अजीब आवाज के लिए ज्वालामुखी के 300 मीटर गहरे सिलेंडर नुमा क्रेटर के अंदर हवा के झोंकों को कारण बताया गया। पेच कसने की आवाज से मेल खाने की वजह से इस आवाज को टॉर्नेलस नाम दिया गया, जो कि एक स्पेनिश शब्द है। वैज्ञानिकों ने सितंबर 2015 और अप्रैल 2016 के बीच टॉर्नेलस पैटर्न की आवाजें 37 बार दर्ज की। हर बार ध्वनि संकेत एक दर्जन या उससे ज्यादा कंपन तक ठहरता, वैसे ही जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रुकने से पहले रेजोनेट करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोटोपैक्सी से निकलने वाली ये आवाज उस ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी में मदद कर सकती है, क्योंकि इस विशिष्ट आवाज या वॉइस प्रिंट से उस ज्वालामुखी के अंदर हो रहे बदलाव के बारे में जाना जा सकता है जो सामान्य तौर पर उजागर नहीं होता। ये शोध अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन के जर्नल जियोफिजिकल रिव्यू लेटर में प्रकाशित हो चुका है। वैज्ञानिकों की योजना अन्य ज्वालामुखियों पर अपने सिद्धांत को परखने की है।